इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पैदा हो गया ऐसी खतरनाक सूरत हाल इससे पहले शायद ही कभी पैदा हुई। हम कह सकते हैं कि जावलक के आखिरी दिनों में थी और उसमें बहुत बड़ी गलती की गई और उसका नतीजा हमें बहुत भुगतना पड़ा। बरसों तक खाना जंगी हुई, महाजरीन का एक सैलाब पहले था, एक उसके बाद आया, फिर जावलक का कत्ल कैसे हुआ वो भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ। गुजारे ये है कि अमरीका आपकी जान को आया हुआ है, वो अशरफ गनी को बरकरार रखना चाहता है और तालिबान उसके हिस्सेदार बने। तालिबान क्यों हिस्सेदार बनेंगे? सही। अब तेजी से वो भाग रहे हैं, यानी पहले तो ये 10 सितंबर तक जाएंगे, अब वो 11 जुलाई तक जाना चाहते हैं। पहले 4 जुलाई तक कह रहे 11 जुलाई तक जाना चाहते हैं। जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा? ऑलरेडी बड़े शहरों के करीब हमले कर रहे हैं, दिन में 100-150 हमले कर रहे हैं तालिबान, 100-150 हमले, और बड़े शहरों के पास जैसे रावलपिंडी के करीब रबात है जी, जैसे वो हब का इलाका है कराची के साथ, क्या है, जैसे लाहौर के करीब शेखुपुरा है, तो वो अपना बड़े हमले कर रहे हैं और अमरीकी तैयारों ने बमबारी की है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस सूरत हाल में अचानक वो निकल जाएंगे जैसे पहले निकल जाए तो ये खला हो जाएगा, इसको पूर करना पड़ेगा, खाना जंगी होगी। दुरुस्त बात, इसको उस वक्त भी जावलक यही कहते थे। देखिए, अब गैर जानबदार मुबसरीन भी तस्लीम कर रहे हैं, वो क्या एडवाइज़र थे अभी नाम याद आता है उनका, बेनज़ीर के, इकबाल अखुन, इकबाल अखुन ने लिखा है, एडवाइज़र वो बेनज़ीर के थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, उन्होंने लिखा है ज़ियाउलहक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की में बहुत करीबी तजवीराती ताल्लुकात चाहता था, ये उसका जुर्म था। जुनेजो साहब उस वक्त समझ नहीं सके, जुनेजो साहब की कंट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत शानदार हुकूमत उन्होंने चलाई, करप्शन पर 3 वजीर बरतरफ किए, उनके दौर में सबसे ज़्यादा शायद तरक्याती काम हुए, लेकिन गलती की, एग्रीमेंट पर जावलक कहता था निगरान हुकूमत कायम करो, ये कायम करके जाए उनकी जिम्मेदारी है, ये सारा जो गंद फैलाया हुआ है ये रूस का है, था पहले और अब अमरीका का है, अब इनकी जिम्मेदारी है ना। अब हमारे यहाँ लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या किया जाए, क्या वो कहते हैं अंग्रेजी में, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम तालिबान के साथ भी हैं, तालिबान हमारे दोस्त हैं, ये तो डिलेमा है। और अमेरिका जो है हम इसकी तो तरदीद कर दी, ऐसा वैसा डिलेमा, यानी ऐसा मखमसा अजीब है, यानी ये तो कह रहे हैं कि अड्डे नहीं देंगे, उधर अमेरिकी दावा कर रहे हैं कि अड्डे देंगे, अड्डे तो नहीं दे रहे, ये तो बात ठीक है, ये तो दावा दुरुस्त है, लेकिन इसकी तरदीद तो नहीं करते कि फिजाई हदूद इस्तेमाल बिल्कुल देंगे या नहीं देंगे। वो अगर पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजर के बमबारी कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? या आप अमरीका को खो दें या आप अफगानिस्तान को खो दें। ये बीच में वो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कहा था कि फैसला न करने से बेहतर है गलत फैसला कर लिया जाए, आप मखमसे में नहीं रख सकते, एक 22 करोड़ का मुल्क है, एक एटमी कुवत है, एक इसका 22 करोड़ इंसानों के 23 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का सवाल है और आप मखमसे में बैठे हुए हैं, इंडिया के मामले में भी मखमसे, आपको फैसला करना है। ठीक, वो एलिस वेल्स क्या कहती थी, ये बंद करो, बार बार कहती थी बंद करो ये सी पैक और ये, और हमारे साथ मामला करो, यहाँ अमरीकी लॉबी भी बड़ी मुतहरक है। आज जुगनू मोहसिन साहिबा ने तकरीर फरमाई है पंजाब असम्बली में, अमरीकी लॉबी बड़ी मुतहरक है, बाकी लोग भी मुतहरक हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वज़रा भी हैं मौजूद और अपोजिशन में तो बहुत लोग हैं। आपने देखा है कि अफगानिस्तान के मसले पर और कश्मीर पर और फलस्तीन पर कैसी चुप लगी, सिर्फ जमात इस्लामी ने एक भरपूर जुलूस निकाला, फलस्तीन पे भी एक आध रस्मी बयान दे दिया, मरियम नवाज ने तो शायद वो भी नहीं दिया और नवाज शरीफ ने,
यानी कोई एक्टिविटी नहीं है। अजीब व गरीब ये सियासी जमाते हैं, ये मुल्क में सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं, यही हुकूमत का हाल है, यही इस्टेब्लिशमेंट का हाल। ठीक भाई, आप दोनों के साथ एक वक्त कैसे हो सकते हैं? अब आप पूछें कि भाई इसमें कोई रास्ता है? हमेशा एक रास्ता मौजूद होता मौजूद है, रहता है। कोई तो कोई आपका उसूल है, कोई आपका खुदा है, कोई अपने अवाम पे आपको एतमाद है, कोई आपका परवरदिगार है, किसी कोई आपका ईमान और यकीन है। भाई ये रूस बैठा हुआ है और रूस का बड़ा शदीद कंसर्न है, वो परेशान है और वो आपकी तरफ मायल हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इसलिए उनको मसला है सेंट्रल एशिया में। अगर अब यहाँ प्रो अमेरिका हुकूमत कायम, प्रो अमेरिका हुकूमत कायम रहती है काबुल में, क्योंकि आसान तो नहीं होगा तालिबान के लिए काबुल को फतह करना, बेशक वो बहुत बड़े इलाके पर वो कब्जा कर सकते हैं और डिस्टर्ब तो वो रख ही सकते हैं। चीन है, चीन जाहिर है उनके बहुत से मसाइल है, उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, उनके अपने इलाकों में ट्रबल हो सकती है। अच्छा ईरान है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जहां ऐसे ग्रुप हैं फारसी बोलने वाले और उनके मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जिन पर ईरान का असर है। क्या ईरान अमन चाहता है या नहीं चाहता? क्या चीन अमन चाहता है या नहीं चाहता? क्या रूस अमन चाहता है या नहीं चाहता? तो पाकिस्तान सबसे बढ़कर हम चाहते नहीं होगी यार उनसे, इसलिए कि खारदार तार वो तार लगाने के नहीं, पाकिस्तान को फैसला करना होगा ना, यानी एक तरफ वो तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइस आपने देखा पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके अमेरिका ने फिर से तालिबान पर अटैक किए हैं, उसके रिप्लाई में तालिबान पाकिस्तान के बड़े शहरों के करीबी शहरों में धमाके शुरू करने लगे हैं। और पाकिस्तान में अभी हाल फिलहाल में क्वेटा में और रावलपिंडी के करीब शेखोपुरा में धमाके शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक प्रकार से खलबली मच गई है। पाकिस्तान का एक मीडिया पक्ष तो ये कह रहा है अगर अमेरिका यहाँ से गया तो तालिबान हमें कच्चा चबा जाएंगे, यहाँ पर धमाके इतने करेंगे कि सारा शहर धुआं धुआं हो जाएगा। और दूसरी ओर कह रहे हैं जो दूसरा ओर का मीडिया है कि वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा जैसे ही अमेरिका यहाँ से जाएगा, क्योंकि तालिबान हमारा यार है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है पाकिस्तान में इस तरीके की बातें, तालिबान हमारा यार है दोस्त है कौन करता है? उरिया मकबूल जान, जैद हामिद, ये हारून रशीद और बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो सोचते हैं तालिबान हमारी उंगलियों पर नाचेगा, हमारा यार है, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, कश्मीर में जिहाद करेगा अफगानिस्तान का मामला सुलझने के बाद, इस तरीके की सोच रखते हैं ये लोग। लेकिन आपको भी पता है कि तालिबान को जितना इन्होंने जहर भरा है, पाकिस्तान ने ही पैदा किया था ना ये तालिबान, उन्होंने जहर भर भर के उनको इतना जहरीला बना दिया है कि अब वो सांप इनको ही डसने के लिए तैयार है और वो सिचुएशन में आ भी गया है। आप देख सकते हो तालिबान ने पहले ही धमकी दे दी थी जब उन्हें पता चला कि जैसे ही कि अमेरिका को पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस और हवाई अड्डे दे रहा है तालिबान पर अटैक करने के लिए वहाँ से निकलने के बाद भी, तो तालिबान की धमकी आ गई थी हमें पाकिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान की तो दोनों तरफ से बैंड बजी पड़ी है और चीन के अखबार ने दावा भी किया है कि अमेरिका अड्डे ले चुका है पाकिस्तान से और पाकिस्तान अभी गुपचुप तरीके से ये बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहा है कि अड्डे नहीं मिले हैं, हमने नहीं दिए हैं, जबकि वो पुराना एग्रीमेंट है शायद वही कंटिन्यू चल रहा है। उसी वजह से जो अभी तालिबान पर अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस पाकिस्तान की जगह से हुए हैं, तो डेफिनेटली इसकी सच्चाई भी दुनिया के बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। हो सकता है इसके पीछे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बहुत बड़ी डील की हो, बहुत सारे पैसे लिए हों, FATF में मामला निपटाने की कोशिश की हो और बहुत सारी मतलब जो भी इनके कर्जे वर्जे हैं उसमें कुछ कमी आई हो। तो गाइज़ आप समझ सकते हो पाकिस्तान अड्डे देकर तो ऐसा फंसा है कि इंडिया को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और ये अपना ही खुद मतलब ऐसा कुछ करते हैं कि ये खुद ही ऐसे फंस जाते हैं और उसी से लिपटते रहते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन बनती क्या है। हालांकि ये बहुत इंडिया के हक में होगा अगर पाकिस्तान अड्डे दे चुका है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दे, लेकिन मुझे तो लगता है अड्डे दे चुका है, ये अनऑफिशियल तौर पर अड्डे दे दिए हैं, अब ये बस दिन की बात है किस दिन अनाउंस करता है पाकिस्तान अपनी तरफ से। अमेरिका ने तो ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ हमारा जो एक एग्रीमेंट था वो कंटिन्यू चलेगा और हम पाकिस्तान की एयर स्पेस और पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ करेंगे टेररिस्ट तालिबान पर अटैक करने के लिए।
तो गाइज अब आप समझ सकते हो पाकिस्तान के मीडिया में इस समय जो भारत की कोरोना से जीडीपी नीचे गई है उसको लेकर यहाँ पर बेवकूफ़ सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये वही बेवकूफ़ है जो बांग्लादेश से भी नीचे जा चुके हैं, लेकिन इंडिया की जीडीपी जो आपको भी पता है कोरोना की वजह से सारे व्यापार धंधा सब कुछ ठप पड़ गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारी लाजमी सी बात है गिरनी थी और वो गिरी। और उम्मीद करते हैं जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा हम फिर से अच्छा फाइट बैक करेंगे और फिर से सब कुछ एकदम अच्छा चालू होगा और दुगनी तिगनी मेहनत करेंगे जिससे हमारा देश फिर से उसी तरीके से जो जिस तरीके से अनाउंस किया गया था, जिस तरीके से कयास लगाए गए थे कि हमारा देश दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसी तरीके से उसी ट्रैक पर वापस आएगा। और ये कोरोना के चक्कर में आपको भी पता है चीन को छोड़कर बाकी सभी देश नीचे गए हैं और चीन तैयार भी नहीं है कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताने के लिए। यूएस ने कोशिश की कि हमें आप लैब में इंक्वायरी करने दें तो, लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए चीन तैयार नहीं है। यानी अब शक सीधा सीधा हो रहा है कि चीन ने ये वायरस बनाया था दुनिया की इकोनॉमी तबाह करने के लिए, जैसे भारत यूरोप अमेरिका जैसे देशों की इकोनॉमी तबाह करने के लिए। और सेकंड वेव से बहुत ज़्यादा शक जायज़ सी बात है सामने भी आ गया, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से भारत में फैला उस तरीके से ना भारत के अड़ोस पड़ोस जितने देश हैं उसमें फैला, पाकिस्तान में कुछ नहीं फैला, ना बांग्लादेश में, ना श्रीलंका में, नेपाल में फैला, क्योंकि नेपाल भारत का बहुत मतलब ऐसा देश है जिससे बॉर्डर है ना कुछ है, लोगों का आना जाना रहता, तो नेपाल में फैल गया था। तो इससे बहुत शक जाहिर होता है कि सेम कंडीशन है लेकिन भारत में ही कोरोना इतना तेज़ी से कैसे फैला, बाकी देशों में क्यों नहीं फैला। गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।